अब यहां पे फर्म क्या कर रही है, फर्म इज मेकिंग लॉस। तो अगर फर्म लॉस कर रही है तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विल बी ग्रेटर देन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस पे एक प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाई है, जिसमें वो सारे क्वेश्चंस में पूछे हुए टॉपिक को हम डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज उसी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, बताया था कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम लोग इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कब रियलाइज होता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में आउटपुट डिटरमिनेशन कैसे होता है इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर। सो आराम से देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी और ये परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो अगर हम लोग बात करें इक्विलिब्रियम की, तो देखिएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है परफेक्ट कंपटीशन में। सो दोस्तों, इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन आप जानते हैं, एवरेज रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड इट शुड बी इक्वल टू प्राइस। जो आपका एवरेज रेवेन्यू है, जिसको हम लोग डिमांड कहते हैं, ये मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होगा और यही प्राइस होगा। ठीक है, बोलिए समझ रहे हैं। और दिस विल बी इक्वल टू एमसी। ठीक है, यहां से एक चीज हम पकड़ लेंगे जो कि हर मार्केट स्ट्रक्चर में हम यूज करेंगे, एमसी शुड बी इक्वल टू एमआर टू गेट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम में कितनी क्वांटिटी आ रही है, इसके लिए एमसी शुड बी इक्वल टू एमआर। और परफेक्ट कंपटीशन में एमआर एआर के बराबर है, एआर प्राइस है। सो एआर इज इक्वल टू एमआर इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू एमसी। ठीक है, दूसरी बात है कि जो मेरा एमसी कर्व है, इसका कर्व हम लोग बनाएंगे, इट शुड कट एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। नीचे से ये एमआर कर्व को कट करना चाहिए। ये दोनों पॉइंट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएंगे हमारे परफेक्ट कंपटीशन के। अब देखिए डियर, परफेक्ट कंपटीशन में हम आउटपुट एनालाइज कर सकते हैं दो तरीकों से। ठीक है, प्राइस और आउटपुट डिटरमिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन कैन बी डन वाया टू वेज, या ऐसे कह लीजिए कि दो पीरियड्स ऑफ टाइम में हम आउटपुट एनालाइज कर सकते हैं। क्या है ये दो पीरियड ऑफ टाइम? तो पहला पीरियड है शॉर्ट रन। परफेक्ट कंपटीशन में जब आप प्राइस डिटरमिनेशन करेंगे शॉर्ट रन में, ओके ठीक है, तो देखिएगा शॉर्ट रन में फर्म्स कैन हैव नंबर वन नॉर्मल प्रॉफिट्स। फर्म के नॉर्मल प्रॉफिट्स हो सकते हैं, क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट वगैरह भी देखेंगे। सेकेंड, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, फर्म के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं। एंड थर्ड इज लॉस, जिसको इकोनॉमिक टर्म्स में सब नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, विच इज लॉस। ये तीनों ही सिचुएशंस पॉसिबल हैं शॉर्ट रन में। फर्म प्रॉफिट कमा सकती है, फर्म जिसको आप नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे, फर्म सुपर नॉर्मल एक्स्ट्रा वेगेंट प्रॉफिट कमा सकती है, या फिर फर्म में लॉस हो सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। फर्स्ट कंडीशन इन शॉर्ट रन, जब फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, इट इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। वाई एक्सिस में मैंने प्राइस ले लिया,
एक्स एक्सिस के अलोंग आउटपुट कह लीजिए, क्वांटिटी कह लीजिए, ये ले लिया, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कर्व डिमांड कर्व होता है और एवरेज रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाए जा रहे हैं तो एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अपने लोएस्ट पॉइंट पे टच करेगी एमआर कर्व को, जैसा कि आपने देखा दिस इज एसी एवरेज कॉस्ट, और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। क्या थी कंडीशन? इट शुड कट, ये कट करना चाहिए एमआर कर्व को नीचे से। तो देखिए इसने कट किया इस पॉइंट पे, दिस इज एमसी। अब इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे ग्रीन कलर से मैंने स्पॉट आउट कर रखा है, इस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एमआर मार्जिनल रेवेन्यू, और जिस पॉइंट पे एमसी एमआर के इक्वल होता है वहां पे हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल जाती है, इसको आप क्यू बोल लीजिए, प्राइस यहां पर पी हो गया। तो किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं गुड्स को? पी प्राइस पे। कितनी क्वांटिटी? क्यू। और किस प्राइस पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? पी प्राइस पे। तो जो कॉस्ट है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज इक्वल टू, जिसमें कि जो एंटरप्रेन्योर ने अपना टाइम दिया वो भी इंक्लूडेड होता है कॉस्ट में, ठीक है। दिस इज इक्वल टू द प्राइस एट विच फर्म इज सेलिंग इट्स गुड्स। तो इसीलिए यहां पे कोई एक्स्ट्रा वेगेंट प्रॉफिट नहीं है, ठीक है ना। एम सी इक्वल्स टू एम आर पे इंटरसेक्शन देखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। जब फर्म्स परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाएंगे, ये आपका आउटपुट हो गया, या आउटपुट या क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में हमने प्राइस ले लिए, ठीक है। ये आपका एआर या एमआर कर्व है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। और क्योंकि ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है तो जिस प्राइस पे फर्म सेल कर रही हैं वो प्राइस ज्यादा होगा एवरेज कॉस्ट के। तो यहां पर देखिए आपका एवरेज कॉस्ट कर्व कुछ ऐसे बनेगा, ओके। अब देखिए एमसी कर्व बनाएंगे और एमसी कर्व शुड कट द एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। तो इस पॉइंट पे कट किया, ये आपका एमसी इक्वल्स टू एमआर का पॉइंट हो गया, ठीक है। यहां पे प्राइस पी मान लेते हैं, पी प्राइस पे सेल कर रहे हैं, ये रही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू। ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू पे जिस प्राइस पे फर्म सेल कर रही है वो पी है, और किस कॉस्ट पे मैन्युफैक्चर कर रही है, देखिए करस्पोंडिंगली कॉस्ट कर्व पे ये पॉइंट ले लिया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के लिए, मान लेते हैं पी डैश है। तो पी डैश पे फर्म ने गुड को मैन्युफैक्चर किया है, P पर सेल किया है, आप देख सकते हैं कर्व में P इज ग्रेटर देन P डैश, यस और नो, ठीक है। तो अगर मैं इसका कुछ नाम दे दूं तो AO आपका हो गया प्रॉफिट पर यूनिट। ये जो AO लाइन है ये एक यूनिट में फर्म कितना, एक गुड में कितना प्रॉफिट कमा रही है वो है, दिस इज प्रॉफिट पर यूनिट। और अगर मैं इसको शेड कर दूं तो ये शेडेड रीजन टोटल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया फर्म का, क्यू क्वांटिटी ऑफ गुड्स, इसको ओ बोल लीजिए, ओ क्यू गुड्स जब फर्म ने मैन्युफैक्चर किए तो उसने टोटल प्रॉफिट जो कमाया इसको मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलूंगा, ये फर्म का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है।
ठीक है ना, है ना, पी डैश एक्चुअली कॉस्ट है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं। ओके, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आया, एओ को मल्टीप्लाई कर दीजिए ओक्यू से, इसको एल बोल लीजिए, है ना, क्योंकि ओ आप यहां पे भी लिख रहे हैं, तो एल इंटू ओक्यू। ओक्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड, एल क्या है, प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, ये हो गया आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें थर्ड केस है, उसको ले लेते हैं, दैट इज व्हेन फर्म्स आर मेकिंग लॉस और सब नॉर्मल प्रॉफिट। इसी को लॉस बोलते हैं। चलिए इसके लिए बात करते हैं। यहां पे मैंने प्राइस लिया, ये मेरा आउटपुट हो गया। ओके, चलिए अब देखिए, ये रहा मेरा एआर कर्व या फिर डिमांड कर्व, जो कि प्राइस के इक्वल है और मार्जिनल रेवेन्यू के भी इक्वल है। अब यहां पे फर्म क्या कर रही है, फर्म इज मेकिंग लॉस, तो अगर फर्म लॉस कर रही है तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विल बी ग्रेटर देन द प्राइस एट विच इट इज सेलिंग इट्स गुड्स। जिस प्राइस पे बेच रही है गुड को, वो कम होगा किससे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से। तो ये रहा आपका एवरेज कॉस्ट कर्व, जो कि ऊपर है आपके एवरेज रेवेन्यू कर्व से। ओके, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एडिशनल कॉस्ट, इट शुड कट द एमआर कर्व फ्रॉम बिलो, ऐसे कट करेगी, देखिए नीचे से एमसी कर्व हो गया, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है एमसी और एमआर का, इक्विलिब्रियम कंडीशन, एमसी शुड बी इक्वल टू एमआर, ये हमें क्या दे देगा, ये हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू दे देगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू के लिए फर्म ने किस प्राइस पे सेल किया गुड्स को, पी प्राइस पे सेल किया। ओके, और फर्म की कॉस्ट क्या है, देखिए ये रही कॉस्ट, है ना, ये रही कॉस्ट पी डैश मान लीजिए। अब यहां पे पी डैश इज ग्रेटर देन पी, बोलिए यस और नो, पी डैश यहां पे पी से ज्यादा है या पी इज लेस देन पी डैश, प्राइस इज लेस देन कॉस्ट, ये कॉस्ट है। तो दोस्तों अब ये क्या हो गया, अगर मैं इसको नाम दे दूं एस, इसको नाम दे दूं टी, तो एस टी आपका क्या है, लॉस पर यूनिट, एक यूनिट बेचने पर फर्म को जो लॉस हो रहा है वो एस टी है। और अगर मैं इस पूरे रीजन को शेड कर दूं, सो शेडेड रीजन इज रिप्रेजेंटिंग टोटल लॉस या टोटल सब नॉर्मल प्रॉफिट। So what is this? This is total loss or subnormal profit, and it is equal to quantity that is OQ into loss per unit that is ST. समझ गए? Subnormal profit. तो ये तो बात हो गई आपकी short run की, जिसमें तीनों scenarios possible थे perfect competition में। एक firm profit कर सकती है, normal profit, super normal profit कर सकती है, या फिर loss कर सकती है। अब बात करते हैं लॉन्ग रन की। कि लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म क्या क्या कर पाएगी, तो देखिए दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही सिनेरियो पॉसिबल है, लॉन्ग रन में फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट बना सकती है, ना तो वो लॉस कर पाएगी ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर पाएगी। इसका कारण है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए एक्सक्यूज मी, लॉन्ग रन में क्या होगा कि जब फर्म शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही थी, तो बाकी फर्म्स मार्केट में एंटर करेंगे इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देख के, वो कहेंगे कि इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, तो चलो एंटर करते हैं। तो जब वो एंटर करेंगे इस इंडस्ट्री में, तो जो एक कुछ फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही थी, वो प्रॉफिट अब डिवाइड हो जाएगा न्यू एंट्रेंट्स के बीच में भी, वो भी शेयर करने लगेंगे इस प्रॉफिट को।
ठीक है। तो जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था वो रिड्यूस होकर नॉर्मल प्रॉफिट के लेवल पे आ जाएगा, वहीं जो फर्म्स लॉसेस बना रही थी वो मार्केट को लीव कर देंगी, क्योंकि उस मार्केट में सस्टेन करने का क्या फायदा जहां पे आप लॉस कर रहे हो। तो ओवरऑल सिनेरियो होगा लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट का, ठीक है, देख लेते हैं। यहां पे मैं y एक्सिस के लॉन्ग प्राइस लूंगा, x एक्सिस के लॉन्ग आउटपुट या क्वांटिटी, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू दैट इज इक्वल टू MR। मैंने क्या कहा, नॉर्मल प्रॉफिट का सिनेरियो होगा यहां पर, तो अगर नॉर्मल प्रॉफिट है तो AC के इक्वल हो जाएगा, बोलिए जो कॉस्ट होगी मैन्युफैक्चरिंग की वही उसी प्राइस पे आप सेल करोगे, ये एवरेज कॉस्ट कर्व हो गया, ये आपका प्राइस हो गया, एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल कट MR फ्रॉम बिलो, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया जहां पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिलेगी Q, दिस इज O, तो देख लीजिए दिस इज द सिनेरियो ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ओके गाइस, तो आई होप आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन अब पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये पास्ट ईयर में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में 3-4 बार पूछा जा चुका है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। मैंने आपको सारे सिनेरियो शॉर्ट रन लॉन्ग रन के बता दिए और अब ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।